बंदर और शेर की लड़ाई। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बिल्लू बंदर और मुनमुन बंदरिया रहते थे। वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों अपना दिन पेड़ों में खेलने और मस्ती करने में बिताते थे। एक दिन बंदरिया बीमार पड़ गई और अपनी जगह से हिल नहीं सकी। बंदर बहुत चिंतित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब वो इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या किया जाए, तो उसने जंगल में चूहों के एक समूह को दौड़ते हुए देखा। बंदर ने उनसे पूछा कि क्या वे उसकी मित्र बंदरिया की बीमारी के लिए कोई उपाय जानते हैं? चूहों ने उसे बताया कि इसका एकमात्र इलाज एक निश्चित जड़ी बूटी है जो दूर एक पहाड़ी पर उगती है। बंदर तुरंत जड़ी बूटी खोजने निकल पड़ा। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद उसने आखिरकार उस बूटी को ढूंढ लिया और लौट आया। उसने बंदरिया को बूटी दी और उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर दिया। मुनमुन बंदरिया बिल्लू बंदर की दया के लिए उसकी बहुत आभारी थी और उसने बिल्लू से पूछा कि वो उसे धन्यवाद देने के लिए क्या कर सकती है। बंदर ने उत्तर दिया, मेरी प्रिय मित्र, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि तुम वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो कृपया जंगल के सभी जानवरों को मेरी कार्य कुशलता के बारे में बताओ, ताकि कोई भी मुझे बेकार ना समझे। बंदरिया हाँ जरूर बोलकर चली गई और सभी जानवरों को ये बताने लगी कि कैसे बंदर उस जड़ी बूटी को खोजने के लिए खतरनाक यात्रा पर निकला था, जिससे वो ठीक हुई है। वन के सभी जीव इससे प्रभावित हुए और बंदर का आदर करने लगे। एक दिन एक भयंकर शेर जंगल में आया और जानवरों पर हमला करने लगा। बंदर, जिसे अब हीरो समझा जाता था, ने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। वो शेर के पास गया और उसे युद्ध के लिए ललकारा। बंदर के साहस से शेर अचंभित हो गया और उससे लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन बंदर चतुर था, उसके पास एक योजना थी। वो जानता था कि शेर आग से डरता है, इसलिए उसने एक बड़ी आग लगा दी और शेर को उस जंगल में न आने की चुनौती दी। आग देखकर शेर तुरंत डरकर भाग गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। बंदर की बहादुरी और बुद्धिमत्ता से जंगल के जानवर चकित थे। उन सभी ने उसे उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया और उसे जंगल का मुखिया बना दिया। उस दिन से बिल्लू बंदर जंगल के नायक के रूप में जाना जाने लगा।